Hello everyone. So today we are going through a small routine jo main usually follow karti hu, and that is how do I take care of my nails, how do I file them, aur main apni nail paint wagera kaise change karti hu. So hum start karenge by removing any kind of jewelry that we are wearing, aur uske baad basic nail paint remover ya acetone lekar aap apni nail paint nikal sakte ho. Maine dono tarike bataye hai. So ye main acetone se nikal rahi hu, aur dusra mere paas ek cute little नेल पेंट रिमूवर है जिसके अंदर सिर्फ आपको फिंगर डालनी है और वो बाय डिफॉल्ट निकाल देता है. ये लेजी तरीका है और इसीलिए मेरा फेवरेट है. आप इसको कहीं से भी बाय कर सकते हो. आई थिंक ये 100 या 150 रुपए का आता है. अमेजोन पे भी मिलता है, वहाँ से भी बाय कर सकते हो. नेल पेंट निकल गया, अब बारी आती है नेल्स कट एंड फाइल करने की. सो मैं डायरेक्टली फाइल नहीं करती हूँ बिकॉज मुझे लगता है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और वैसे भी मुझे नेल कटर से नेल्स को शेप देना ज़्यादा पसंद है बिकॉज आई फील कि उससे ज़्यादा कंट्रोल रहता है. तो इसीलिए मैं नेल कटर यूज़ करके अपने नेल्स को जो भी शेप देना है वो देती हूँ. यहाँ पर मैं उनको स्क्वायर रख रही हूँ, जब मुझे राउंड रखना है तब मैं राउंड करती हूँ. और जब मुझे फाइनली लगता है कि ठीक है मैंने नेल कटर से प्रॉपर शेप दे दिया है, अब मुझे बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसके बाद मैं फाइलर लेके उसको सिर्फ हल्का सा फाइल करती हूँ बिकॉज मुझे उसकी लेंथ छोटी नहीं करनी होती है, बट थोड़ा सा मुझे उसको शेप देना होता है. आप आगे देखोगे कि मैंने कैसे फाइल किया है नेल्स को. जब भी मैं नेल्स स्क्वायर शेप में कट करती हूँ मैं उसको थोड़ा सा साइड से फाइल करना पसंद करती हूँ बिकॉज देन वो नोकीला नहीं रहता और मुझे हर्ट नहीं करेगा, जो मैं अभी कर रही हूँ राइट नाउ इन द वीडियो. और आपने कई बार सुना होगा कि आगे पीछे वाला मोशन नहीं करना चाहिए, वन साइडेड फाइल करना चाहिए वरना नेल्स ब्रेक हो जाते हैं. वेल, मेरे साथ ये नहीं होता. एंड हियर इज़ अ स्मॉल लिटिल डिफरेंस कि थोड़ा सा राउंडेड ऑफ एंड विदाउट राउंड ऑफ वो कैसा लगता है. एंड देयर वी आर डन. Once that's done, मैंने quickly अपना hand wash कर लिया है और मेरा basic mini manicure भी किया है wash करते करते. मैं वो video नीचे link कर दूँगी, आप उसको check कर सकते हो. बहुत छोटा सा बहुत प्यारा सा 2 minutes में आप कैसे wash basin में अपना manicure कर सकते हो वो video है. Once that is done, to protect my nail, मैं basic कोट लगाऊंगी, ट्रांसपेरेंट कोट, एंड देन उसके बाद अपनी फेवरेट नेल पेंट. आप चाहो तो यहीं रुक सकते हो, अपने नेल्स को थोड़ा सा ब्रीदर दे सकते हो और सेकेंड या थर्ड डे लगा सकते हो नेल पेंट. इस बार मुझे ऑब्वियसली वीडियो बनाना था इसीलिए मैंने नेल पेंट लगा लिया, वरना यूजुअली बिटवीन चेंजिंग नेल पेंट्स मैं 2-3 दिन का गैप रखती हूँ ताकि मेरे नेल्स थोड़े से हेल्दी रहे. बहुत ही जल्द मैं एक दूसरा वीडियो अपलोड करने वाली हूँ जहाँ आई एम एक्सप्लेनिंग इन डिटेल प्रॉपरली कि नेल पेंट कैसे लगाते हैं. बहुत आसान है, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स पूछते हैं कि तू लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे कैसे लगा लेती है एंड ऑल, तो उसमें मैंने अपनी छोटी सी ट्रिक बताई है एंड आई होप दैट हेल्प यू गाइस. यहाँ पर आप जो देख रहे हो वो फास्ट फॉरवर्ड वर्जन है कि हम नेल पेंट कैसे लगा सकते हैं और उसको क्लीन कैसे रख सकते हैं. अप्लाइंग अ मॉइस्चराइज़र. अब अगर आप देखोगे तो मैं मॉइस्चराइज़र थोड़ा सा वियर्ड वे में अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपने पाम्स पे मॉइस्चराइज़र लगाना बिल्कुल नहीं पसंद है, वो बहुत स्वेटी हो जाते हैं और मुझे इमिडिएटली जाके हाथ धोना पड़ता है. तो इसीलिए मैंने ये नया तरीका निकाला कि मैं अपने पाम्स पे लगाए बिना अपने हाथ पैर पे मॉइस्चराइज़र कैसे लगाऊँ. तो बेसिकली मैं दोनों हाथ का उल्टा उल्टा साइड यूज़ करके एक दूसरे पर लगा देती हूँ. इस तरह से मेरे पाम्स पे भी नहीं लगता और मेरी स्किन भी मॉइस्चराइज रहती है. Step which means that we are done with the video. If you like such small cute little fast videos, let me know. And agar aapke paas koi suggestions hai ki main kaise cheeze better kar sakti hu, ya aapke paas video suggestions hai aapko dekhne hai kuch, to aap mujhe bataiye. I will make those videos for you guys and I'll see you in my next video. Bye.